आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था। अनेक प्रांतीय संस्थाओं का निर्माण हो चुका था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित इन राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप चाहे स्थानीय था, लेकिन इनसे जुड़े लोग यह अनुभव कर रहे थे कि राष्ट्रीय चेतना को व्यापक बनाने और ब्रिटिश शासन तक भारतीय मांगों को मजबूती से पहुंचाने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से दादा भाई नौरा जी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई उदारवादी थे। अपनी एसोसिएशन के माध्यम से दादा भाई ने लंदन में रहते हुए भारतीय हितों की मांग रखी। उनके भाषण लेखों ने ब्रिटिश जनता को भी प्रभावित किया। 1876 से 1880 के बीच लॉर्ड लिंटन द्वारा उठाए गए प्रतिक्रियावादी कदमों ने समस्त भारतीयों को हिला दिया था। लॉर्ड लिंटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। शस्त्र अधिनियम पारित करके भारतीयों को निहत्था कर दिया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। सभी नेता एक राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित होने लगे। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भारत के सभी बड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इन सभी के प्रयासों ने अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था की नींव रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1789 में नीति मतभेद हो जाने के कारण लॉर्ड लिंटन ने इनकी पदावनति कर दी थी। इससे यह आंदोलनकारी हो गए थे और इन्होंने मार्च 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को खुला पत्र लिखा, जिसमें संगठित होकर भारत के लिए कार्य करने की बात कही। 1884 में वह स्वयं मुंबई गए। मद्रास और महाराष्ट्र के नेताओं से विचार विमर्श कर मार्च 1885 में राष्ट्रीय संगठन की योजना तैयार की। संगठन के बारे में उन्होंने डर्फिन से भी चर्चा की और मुंबई प्रांत के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डर्फिन ने संगठन की सहमति तो दे दी, परंतु बंबई के गवर्नर को अध्यक्ष बनाने के लिए वह तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका ये मानना था कि गवर्नर की उपस्थिति में लोग अपने स्वतंत्र विचार प्रकट नहीं कर सकेंगे। तत्पश्चात मई 1885 में परिपत्र जारी किया गया और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के विभिन्न भागों से प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति में लगे प्रतिनिधियों का एक दूसरे से परिचय होना, इस वर्ष कौन कौन से कार्य होंगे उसकी चर्चा और निर्णय लेना था। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। बहुत से इतिहासकारों और विद्वानों की मान्यता है कि इसकी स्थापना सेफ्टी वाल्व थ्योरी के अंतर्गत हुई थी। इसके अनुसार ह्यूम ने इसकी स्थापना अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सुरक्षित बनाने के लिए की थी। 1870 से 1880 के बीच भारतीयों के बढ़ते असंतोष को हिंसक क्रांति में बदलने से रोकने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो इस असंतोष के भाव को ठंडा कर सके, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संभवतः क्रांति को रोककर सेफ्टी वाल की भूमिका अदा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस सीमा तक ब्रिटिश सरकार की साजिश का परिणाम थे और ह्यूम की इसमें कितनी भागीदारी थी, यह एक शोध का विषय है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ह्यूम एक उदारवादी थे और भारतीयों के प्रति उनकी संवेदना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
स्थापना के साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो गया। आरंभ में कांग्रेस एक आंदोलन की तरह कार्य कर रही थी, जिसके उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करना, जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना और भारतीयों को आधुनिक राजनीति की आवश्यकता के लिए प्रशिक्षित और संगठित करना था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत एक राष्ट्र बनने की दिशा में था और सभी क्षेत्रों को राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि अधिवेशन हर साल दिसंबर में और देश के एक नए भाग के अंतर्गत आयोजित किए जाए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में 28 दिसंबर 1885 में आरंभ हुआ था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, जिनमें विभिन्न सुधारों की मांग जो थी वो रखी गई थी। प्रथम प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने और केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। एक अन्य प्रस्ताव में सैनिक खर्च में कमी, भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ साथ कराने, आयात करों में वृद्धि करने की मांग जो थी वो की गई थी। इन प्रस्तावों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जिस पर पहले से विचार विमर्श नहीं हो रहा हो। विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक संस्थाओं ने इस विषय पर कई बार प्रस्ताव पास किए थे। अधिवेशन की समाप्ति के बाद ह्यूम ने महारानी विक्टोरिया की जय के नारे भी लगवाए थे। तो इस प्रकार कांग्रेस का आरंभ इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखते हुए हुआ था, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक नवीन और निश्चित मोड़ जो था वो प्रदान कर दिया था।